हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी जो एक्सरसाइज 5.4, ओके, एक्सरसाइज 5.4 स्टडी की थी, जो कि किस चीज के बेसिस पर थी कि किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड कैसे किया जाता है, एंड वो हम लोगों ने सॉल्व किया था। ओके, डिवाइड बाय 10, डिवाइड अ नंबर बाय 100, एंड डिवाइड अ नंबर बाय 1000। ओके, एंड ये एक्सरसाइज 5.4 मैंने आपको होमवर्क में दी थी। आई होप आप लोगों ने किया होगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी बेटा ये। ओके, सो नाउ इन दिस क्लास आवर टॉपिक इज शो डिवीजन मेथड। ओके, पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, अभी कौन सा टॉपिक अपना? शो डिवीजन मेथड। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टडी किया, शो डिवीजन मेथड हम स्टडी करेंगे। सो शॉर्ट डिवीजन कैसे किया जाता है कि हमें जल्दी से आंसर पता हो जाए? ओके, सो ये डायरेक्ट हम लोग अपनी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 5.5 किस चीज के बेसिस पर है? शो डिवीजन मेथड। किस चीज के बेसिस पर अपनी एक्सरसाइज 5.5? शो डिवीजन मेथड, कि डिविजन्स को इन अ शॉर्ट फॉर्म कैसे सॉल्व किया जाता है, इन अ फास्ट वे कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग बाय शो डिवीजन मेथड। सॉल्व करते हैं, लेट सी हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन बाय शो डिविजन। ए, टू इज डिवाइडिंग 76, 76 इज डिवाइडेड बाय 2। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 2 को 7 से डिवाइड करते हैं, देन 2 को 6 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो अपर साइड राइट डाउन करते हैं, एंड हमारा आंसर हमें क्वेश्चन में मिल जाता है। सो कैसे करते हैं? लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने क्या कहा? 2 को 7 से डिवाइड करना है, 2 को 7 से डिवाइड करना है। क्या 2 की टेबल में 7 आता है? नहीं, 2 की टेबल में 7 नहीं आता। क्या आता है 2 की टेबल में? 7 से बिलो क्या आता है? 6। 2 3 6, 2 3 क्या होते हैं? 6 होते हैं। तो 2 3 6, रिमाइंडर क्या है? 1। 7 - 6 क्या होते हैं? 1। तो जो क्वेश्चन आता है उसे इसके डाउन साइड में राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 / 7, क्वेश्चन इज 3 एंड रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर इज 1, 1 जो रिमाइंडर है उसे अपर साइड में राइट डाउन करते हैं। ओके, देन 2 / 6, बट रिमाइंडर भी है यहां पर। ओके, तो 6 जो है वो रिमाइंडर के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सो क्या 2 की टेबल में 16 आता है? 2 की टेबल में 16 आता है। कितने टाइम्स आता है? 2 8s are 16, देन 0। ओके, तो क्वेश्चन को डाउन साइड में लिखते हैं, रिमाइंडर को अपर साइड में लिखते हैं। ओके, रिमाइंडर को डाउन साइड में लिखते हैं एंड सॉरी क्वेश्चन को डाउन साइड में लिखते हैं एंड रिमाइंडर को अपर साइड में लिखा जाता है। ओके, क्वेश्चन क्या आया हमारे पास? 38। रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 10। ओके, सॉल्व करके देखते हैं। एक चीज और बेटा, जो हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर आंसर आते हैं ना, ये वैलिड होता है। ओके, सो यहां रिमाइंडर क्या होगा? 0। रिमाइंडर क्या होगा? 0। डिवाइड करके देखते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 76 डिवाइड बाय 2, 2 3 6, 2 3 6 माइनस करो 1 6, 2 8s are 16 माइनस करो 0। क्वेश्चन क्या है? 38।
क्वेश्चन क्या है? 38 एंड रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर इज 0. क्या ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है? अपर साइड आंसर बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब करेक्ट है. ओके एक और सॉल्व करके देखते हैं. जैसे 7D, 7 इज डिवाइडिंग 876. ओके 876 डिवाइड बाय 7 कैसे सॉल्व करेंगे? क्या 7 की टेबल में 8 आता है? नहीं, इसे बिलो डिजिट क्या आती है? 7 वंस आर 7, सो 7 माइनस 8 माइनस 7 क्या होता है? 1. ओके देन 17. क्या 7 की टेबल में 17 आते हैं? नहीं, इसे बिलो डिजिट क्या आती है? 7 2s are 14. 7 2s are 14. 17 माइनस 14 क्या आंसर आता है? 3. क्या आंसर आते हैं? 3. सो 17 2s are 14 एंड रिमाइंडर क्या रहा? 3 रिमाइंडर. नाउ 36. क्या 7 की टेबल में 36 आता है? 7 5s are 35. मतलब 7 की टेबल में 36 नहीं आता, क्या आता है? 35. सो 36 माइनस 35, क्वेश्चन 5 एंड रिमाइंडर 1. मैंने क्या कहा? जो लास्ट में जो आंसर बचता है वो क्या होता है? वैलिड होता है. सो क्वेश्चन विल बी 125 एंड रिमाइंडर विल बी 1. ओके सो इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करनी है. ओके 5.5 फर्स्ट में 1 डिजिट से डिवाइड करना है, सेकंड में 2 डिजिट. मेथड वही होगा जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन में किया था, सेम वही आंसर आएगा. ओके सो यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज 5.5 इन योर होमवर्क. ओके बाय.